स्पोर्ट्स नाउ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईपीएल 2025 को लेकर अब खबरों का जो बाजार है वो धीरे धीरे गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अश्विन ने अपने एक बयान से पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है, या फिर यूं कह लीजिए अश्विन के एक स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि वो रोहित और विराट के अगेंस्ट में जा चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ऑक्शन की तारीख अभी नहीं आई है, बीसीसीआई ने अनाउंस नहीं किया है, और ऑक्शन से पहले अश्विन ने एक यूट्यूब चैनल पर, श्रीकांत के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम चिकी चाका है, वहां पर उन्होंने इम्पैक्ट रूल के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसको सुनकर आपको लगेगा यार ये तो रोहित विराट के अगेंस्ट है। आपको बताते हैं कि इम्पैक्ट रूल जो कि आईपीएल में यूज़ होता है, जब आप देखते हैं कि दोनों टीमों को जब अपनी टीम बताते हैं तो चार चार प्लेयर आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पर वहां पे बताने पड़ते हैं, उसके जगह एक प्लेयर आपका इम्पैक्ट प्लेयर में आपको मिल जाता है। एक्स्ट्रा बैटर आप ले सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा एक गेंदबाज आप ले सकते हैं। वहीं हम अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल की बात करें तो इसके पक्ष में जो खिलाड़ी हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन, और जो विपक्ष में हैं वो हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और भी कई दिग्गज खिलाड़ी। लेकिन कई बार बड़े बड़े प्लेयर से इनके बारे में पूछा गया, रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई आपको इम्पैक्ट रूल के बारे में क्या कुछ लगता है, तो रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा ये आप सुनिए। पहले रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं इम्पैक्ट रूल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स में अगर देखें तो मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, जैसे शुभम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उनका मानना ये है कि जो ऑलराउंडर हैं वो अपने आप को यूटिलाइज उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, जो कि क्रिकेटिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा नहीं है। मतलब बेसिकली वो इम्पैक्ट रूल के खिलाफ है, उनको ये रूल पसंद नहीं आया। उसके साथ हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली से भी एक ब्रॉडकास्टर ने पूछा कि भाई रोहित का तो ये मानना है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो उन्होंने क्या बोला विराट कोहली ने, ये आप सुनिए। विराट कोहली ने बोला, मैं रोहित का समर्थन करता हूं, मनोरंजन खेल का एक पहलू है लेकिन संतुलन भी होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि क्रिकेट ठीक है, एक मनोरंजन का एक पहलू है लेकिन बैलेंस होना चाहिए उस चीज़ में। तो उन्होंने बोला कि इससे खेल का संतुलन बिगड़ा है। अब देखिए 11-11 खिलाड़ी होते, फिर आप 12वां खिलाड़ी ले आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ेगा। ये मतलब देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, और आगे उन्होंने बोला और कई लोगों को ऐसा लगता है। मतलब उन्होंने बोला ऐसा कई लोगों को, सिराज को भी आपने सुना होगा कि जो गेंदबाज है वो तो सर पे कफन बांध के आते हैं। तो ऐसे ही विराट ने बोला कि मुझे भी ऐसा ही लगता है जो जैसा रोहित को लगता है। अब अश्विन की बात सुनते हैं कि अश्विन ने इस इम्पैक्ट रूल के बारे में क्या कहा उस शो पर। अश्विन कहते हैं इम्पैक्ट रूल इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि क्रिकेट में इसका स्ट्रैटेजी मेकिंग में फ़ायदा मिलता है लेकिन ऑलराउंडर्स को इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से कोई किसी को रोक नहीं रहा है। हर युवा बल्लेबाजी करना चाहता है, कोई गेंदबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग इसका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे कि वेंकी अय्यर। उनका मानना यह है कि स्ट्रैटेजी मेकिंग में कि आपको अगर एक्स्ट्रा बैटर खिलाना है, क्योंकि आप देखिए ना कि इम्पैक्ट रूल आने से जो बैटिंग साइड है, जो फर्स्ट बैट करता है उसको कितना फ़ायदा मिलता है, भाई 200 250 पौने 300 रन बन रहे हैं आईपीएल में, तो ये इम्पैक्ट रूल का एक तरीके से फ़ायदा मिलता है क्योंकि नीचे आपको एक एक्स्ट्रा कुशन मिल जाता है कि ऊपर वाले बल्लेबाज आपके मारते चले जाएं और नीचे वाला बल्लेबाज आपको एक एक्स्ट्रा बैटर के रूप में मिल जाता है। तो कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अश्विन ने एक शो में बोली हैं, एक यूट्यूब चैनल पर बोली हैं। आपको क्या लगता है कि ये रूल सही है या फिर गलत है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।